नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। मुंबई से अलीबाग जा रही नाव समुद्र में डूब गई। इस पे 78 लोग सवार थे। यह हादसा चट्टान में टकराने के कारण हुई, लेकिन खुशी इस बात की है कि 78 के 78 लोगों को वहां के दो कर्मचारी मिल करके निकाल लिए। यानी इसे कहते हैं मौत के मुंह से बाहर निकल जाना। ये एक चमत्कार ही कहा जाएगा। कहते हैं ना, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। ये तो यही है आठवां अजूबा देखने को मिले। इसे आठवां अजूबा ही कह पाएंगे कि मौत के मुंह से या गिरता हुआ नाव, यानी टकरा करके जो अचानक नाव टकराई और समुद्र में डूब गया, उसमें खलबली मची होगी। न जाने हर इंसान को ये लगा होगा, पता नहीं ये क्या हो गया, और वह भगवान को ही पुकारे होंगे। और देखिए, उनके दिल की बात भगवान बखूबी सुने और 78 के 78 लोगों का जान बच गया। ये किसी जन्म का पुण्य ही था कि एक मृत्यु के मौत के मुंह से आदमी को उबरता हुआ अभी हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और अलीबाग, जो मुंबई से अलीबाग जा रही थी, तो वही अलीबाग जहां नीरव मोदी, जो हीरा फैक्ट्री के मालिक हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए लेकर के पीएनबी बैंक का फरार हो चुके थे, और उनका अलीबाग में ही आलीशान भवन, जो एक जन्नत नजर आया है, उसको ध्वस्त किया गया था कुछ महीने पहले। आपने ये देखा होगा। वही अलीबाग की बात कर रही हूँ कि मुंबई से अलीबाग जा रही थी नाव, जो डूब गई। लेकिन नाव को तो बचाना असंभव था, वो तो डूब गई। अब ये बाद में पता चलेगा कि नाव का क्या हुआ। फिलहाल आपको ये बता दें कि 78 के 78 लोग मतलब सुविधाजनक बिल्कुल ही, उन्हें कोई भी क्षति नहीं हुआ और उन्हें सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। धन्यवाद। और एक चीज बता दूं, वो दो कर्मचारी थे, उन्हें सैल्यूट कि उन्होंने ऐसा किया, अपनी जान का प्रवाह किए बिना उनको सफलतापूर्वक निकाला। धन्यवाद।